नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है टिप्स एंड सॉल्यूशन में। और दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि आप किस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट को बिना प्रॉपर्टीज में जाए ही डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप A4 में हमेशा प्रिंट आउट करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या आप प्रॉपर्टीज में जाते होंगे, तो आपको प्रॉपर्टीज में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप A4 हमेशा प्रिंट आउट करते हैं तो आपको प्रॉपर्टीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे ये सेटिंग आप कर लेंगे तब, तो इसी के बारे में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से आप अपने प्रिंटर के जो सेटअप है उसे आप सेटिंग करके एक बार रख सकते हैं, उसके बाद दोबारा प्रॉपर्टीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट हम खोल लेते हैं, जैसे कि मैं ये वाली डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाते हैं और उसके बाद जो है ये प्रिंटर है हमारा HP LaserJet का, तो उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। तो हम अक्सर क्या होता है कि A4 साइज में निकालते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज में जाना पड़ता है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है इसे हमें A4 करना पड़ता है। जब भी हम प्रिंट देते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज में जाके A4 करना पड़ता है और उसके बाद हमें ओके करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है कि हम जब भी कोई प्रिंट करें तो हमें बार बार प्रॉपर्टीज में जाने की जरूरत न पड़े, इस टाइप से हम इसे A4 साइज में कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट में। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर्स लिखा हुआ है, यहाँ एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल रहेगा उसके ये ड्राइवर यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे मैं HP प्रिंटर को ले लेता हूँ, तो यहाँ हम जाएंगे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटर रेफरेंस लिखा हुआ है, यहाँ हम एक बार क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है वो इस तरह से होती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हमें हमेशा A4 साइज में पेपर प्रिंट करते हैं तो हमें A4 करना है। बाय द वे लीगल लेटर या तो जो भी साइज में हम हमेशा प्रिंट करते हैं वो वाली साइज को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे मैं A4 हमेशा प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे A4 साइज ले लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है अप्लाई में क्लिक करेंगे, उसके बाद इसे कर देंगे ओके। तो चलिए देखते हैं आगे। तो मैं उसी डॉक्यूमेंट को खोल लेता हूँ जिसको मैं प्रिंट करने के लिए खोला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही वो डॉक्यूमेंट है जिसको मैं डेमो वर्जन में चला रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इसको मैं प्रिंट ऑप्शन में ले लिया हूँ। प्रिंट ऑप्शन में लेने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आएंगे तो आप यहाँ पे पेपर का साइज देख सकते हैं, ये A4 में सिलेक्ट हो गया। जो पहले लेटर था वो जो है A4 में सिलेक्ट हो गया है। अब हमें क्या है, अब जब भी प्रिंट करेंगे तो हमें प्रॉपर्टीज में जाके बार बार हमें A4 करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आपके पास अगर एप्सन का प्रिंटर है और उसमें आप फोटो निकालते हैं तो उसको भी आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एप्सन का प्रिंटर है, इसको मैं चाहता हूँ कि 4:6 में जो फोटो निकालता हूँ वही 4:6 सेटिंग रहे, तो इसके लिए भी वही कर सकते हैं। प्रिंटर रेफरेंस में जाएंगे। प्रिंटर रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे जो भी क्वालिटी का आप रखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप करना चाह रहे हैं 4:6 में तो 4:6 यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। बाय द वे आप एप्सन मैट में करना चाहते हैं प्रिंट तो एप्सन मैट में कर लीजिए, और यहाँ से आप हाई करना चाहते हैं तो हाई भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका जो सेटिंग है उसको आप यहाँ से ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको बार बार उसके प्रॉपर्टीज में जाके आपके उसके साइज को या तो फिर जो भी क्वालिटी है उसको आपको बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतने, मिलते कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।